सागर जिले के कड़ाकोटा थाना क्षेत्र में शिवाजी वार्ड में शराब पीने के दौरान दो युवकों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि टिंकू सेन नामक युवक ने दूसरे युवक भूपेंद्र रैकवार पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए कड़ाकोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से ड्यूटी डॉक्टर ने उसे सागर रेफर कर दिया। वहीं घटना की जानकारी लगते ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कड़ाकोटा में पुलिस पहुंची और घटना में घायल युवक के मौके पर बयान भी लिए गए। पीड़ित के परिजनों द्वारा मध्य प्रदेश शासन की आपातकालीन सेवा 108 से संपर्क किया गया, लेकिन आपातकाल सेवा न मिलने पर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव द्वारा चलाई जा रही गोपाल जी आपातकाल सेवा की एम्बुलेंस से पीड़ित को सागर रेफर किया गया। घटना की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे ने बताया कि शिवाजी वार्ड में भूपेंद्र रैकवार और टिंकू सेन बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसमें टिंकू ने भूपेंद्र को छुरा मार दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी पर धारा 307 का मामला दर्ज कर लिया है और मामले को जांच में ले लिया है। ये कड़ाकोटा क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी वार्ड में ये आपस की बात को लेकर दो व्यक्तियों के बीच में झगड़े की सूचना थी, जिसमें पीड़ित भूपेंद्र रैकवार इसको जो है आरोपी टिंकू सेन द्वारा चाकू मारकर घायल किया गया था, जिसमें उसको प्राथमिक उपचार के लिए कड़ाकोटा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उच्च उपचार के लिए इसको जिला अस्पताल सागर रेफर किया गया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर से आरोपी के खिलाफ धारा 307 का प्रकरण कायम किया गया है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है।